दोस्तों आज हम करेंगे अनबॉक्सिंग सैंडिस्क के माइक्रो एसडी कार्ड की, जो रहने वाला 64 GB का और मैंने परचेज किया amazon.com से। थंबनेल में जो आपने डोंट बाय लिखा हुआ देखा है वो मात्र वीडियो को क्लिक करने के लिए नहीं लिखा गया, उसके पीछे एक बहुत ही बड़ा रीजन है, वो हम आगे वीडियो में बात करेंगे। दोस्तों मैं हूँ अभिषेक और आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे टेक चैनल हेलो अभिषेक में, और आज हम करेंगे अनबॉक्सिंग सैनडिस्क के माइक्रो एसडी कार्ड की, जो रहने वाला 64 GB का और मैंने परचेज किया अमेजोन से, और मेरा पार्सल आ चुका है। मेरा पार्सल रहा ये, जी हाँ, इसमें कोई पेपर का बॉक्स नहीं है, सिर्फ यही पॉलीथीन है, और इसमें साफ साफ पता भी चल रहा है बाहर ही से कि इसके अंदर क्या है। ये देखिए, साफ साफ पता चल रहा है इसके अंदर एसडी कार्ड है। समय ना गंवाते हुए हम शुरू करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग, और डोंट बाय जो थंबनेल में लिखा हुआ है इसके बारे में हम अभी अनबॉक्सिंग करते हुए बात कर लेंगे। दोस्तों जल्दी से इसे हम अनबॉक्स कर लेते हैं। इसके लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी कैंची की, इस तरह हम कट कर लेंगे इसको साइड से। इसके अंदर निकलेगा वही गत्ता जो बाहर से हमें दिख रहा था, मतलब पता चल रहा था, ये रहा। और एक निकलेगा बिल, इसमें प्राइस पड़े होंगे। ये है अमेजन से परचेज़ किया मैंने 769 का, 769 रुपये का दिख रहा होगा आपको। रख देते हैं इसे, अभी देखते हैं। ये प्यारा सा अपना क्लासिक प्रोडक्ट अल्ट्रा एसडी कार्ड, और ये अडाप्टर है ब्लैक कलर का जो उसमें लैपटॉप में लग जाता है। ये एसडी कार्ड इसके अंदर लग जाता है। पीछे देखें तो पीछे बड़ा सा एक लेबल लगा हुआ है, इसमें बहुत कुछ लिखा हुआ है। मैं माइक्रो एसडी XCA1 क्लास 10 वगैरह सब लिखा रहता है। मैंने आपको पहले बताया है कि सब बहुत मैटर करता है, जिस डिवाइस के लिए आप एसडी कार्ड ख़रीद रहे हैं उस डिवाइस में ये सपोर्ट करेगी या नहीं, ये सब इसी से डिसाइड होता है। इसके बारे में हम पूरी वीडियो अलग से बना देंगे SDHC XC के बारे में। अभी देखें तो ये सैनडिस्क अल्ट्रा माइक्रो एसडी XC है, और इसकी स्पीड 100 MB/s, 10 ईयर वारंटी, मेड इन चाइना है। जल्दी से इसे हम अनबॉक्स कर लेते हैं। कट करना पड़ेगा यहाँ से, इस कैंची की सहायता से हम यहाँ से कट करेंगे। जल्दी से देखते हैं अंदर से क्या निकल रहा है। ये निकला हमारा अडाप्टर विद एसडी कार्ड, इसको हम जल्दी से ओपन कर लेते हैं। अब पता नहीं चल रहा दोस्तों कहाँ से ओपन होगा ये, मुझे लग रहा ब्लेड लाना पड़ेगा, मुझे तो नहीं पता दोस्तों। अगर आपको पता हो कहाँ से ओपन होगा तो आप कमेंट में ज़रूर बताइए, मैं ब्लेड से ही फ़िलहाल काम चला रहा हूँ। इसको बिल्कुल सॉफ्टली कट करना है, कहीं से भी ब्लेड अपने प्रोडक्ट पे नहीं लगना चाहिए, नहीं तो अपना प्रोडक्ट डैमेज हो सकता है। ये हमने सॉफ्टली अडाप्टर निकाल लिया है, देखिए पीछे भी इसमें कुछ लिखा हुआ है। अभी इसे रख देते हैं। अभी बात करें इस एसडी कार्ड की, इसको भी सॉफ्टली, इसको बहुत ही सॉफ्टली निकालेंगे, ब्लेड बिल्कुल भी इसमें टच नहीं होना चाहिए। महंगा सा प्रोडक्ट है, इसे हमें बचा के रखना अच्छे से। ये देखिए बिल्कुल सॉफ्टली मैंने निकाल लिया है। ये अपना प्यारा सा नन्ना सा एसडी कार्ड सैनडिस्क अल्ट्रा 64 GB आपको दिख रहा होगा, माइक्रो एसडी XCU1 क्लास 10A1 ये सब लिखा हुआ है इस पर। बता दिया आपको ये सब मैटर करता है डिवाइस को सपोर्ट करने में, डिवाइस आपकी कौन सी मेमोरी कार्ड सपोर्ट करती है ये आपको पता होना चाहिए, उसके बाद ही आप परचेज कीजिए। तो अपने मोबाइल फ़ोन में हम डाल के देखते हैं, चलिए शुरू करते हैं। यहाँ से पड़ेगी, इसको ओपन करना पड़ेगा। ओपन करने के लिए मेरे पास चाबी तो खो गई है, तो इसलिए हम ये साड़ी के पिन की यूज कर लेंगे। ये बड़ा स्लॉट है और एक छोटा स्लॉट है, तो बड़े स्लॉट में ही पड़ेगी मेरे ख्याल से, क्योंकि एक सिम और एक मेमोरी कार्ड रहेगी बड़े स्लॉट में, तो इसी को ओपन करते हैं। ये देखिए इसमें हम मेमोरी कार्ड बिठा देंगे यहाँ पर, ये देखिए आराम से बैठ गई है, इसे हम फ़ोन में डाल लेंगे, पड़ गई है। मेरे में तो स्लॉट बाहर ही था, अगर आपका अंदर से तो बैटरी ओपन करनी पड़ेगी मेमोरी कार्ड डालने के लिए, और स्विच ऑफ ऑन भी करना पड़ेगा, तो जब बैटरी निकलेगी तो स्विच ऑफ हो ही जाएगा। मेरे फ़ोन में ऐसा कुछ नहीं है, मेरे फ़ोन में डायरेक्ट ही इसमें डायरेक्ट ही जो सपोर्ट हो जाता है। देखते हैं फाइल माई फाइल्स में जाके, इंटरनल स्टोरेज एंड एसडी कार्ड, जी देखिए, जी हाँ देखिए एसडी कार्ड 2 MB जो भरा हुआ है, और 59.45 GB जो भी, मतलब इस टोटल स्पेस है इसका 2 MB भरा हुआ है, और 59.45 GB टोटल स्पेस है इसका। जी हाँ, जो 64 GB होता है ये
64 GB लिख के जरूर देते हैं लेकिन पूरा नहीं होता है, कुछ कम रहता है। तो 59.45 GB ही आपको मिलेगा। यहाँ पर हम इसको ओपन करके देखते हैं। ये देखिए मात्र 2 फोल्डर्स में बन चुके हैं, अभी फ़ोन नहीं बनाए हैं इसे। ये एक एंड्राइड का फोल्डर बन गया है और एक लॉस्ट का, और इसमें कुछ नहीं, बिल्कुल खाली है, अभी मैंने डाली है सिर्फ। तो दोस्तों कैसा लगा सैंडिस्क का ये मेमोरी कार्ड, कमेंट में ज़रूर बताइए। और आपको अगर जानना है कि Class 1, Class 10, A1 और U1 जो भी ये मेमोरी कार्ड पर लिखा रहता है, माइक्रो एसडी, माइक्रो एसडी एचसी, माइक्रो एसडी एक्ससी, ये सब क्या है, अगर इसके बारे में जानना चाहते हैं तो आप कमेंट में यस लिखिए। अगर आप यस लिखेंगे तो मुझे पता चलेगा कि आप इस बारे में जानना चाहते हैं और मैं आगे वीडियो बनाऊँगा। हर मेमोरी कार्ड हर फ़ोन में या हर डिवाइस में सपोर्ट नहीं करती, हर डिवाइस के कुछ मानक होते हैं, उसी मानक के अनुरूप एसडी कार्ड उसमें सपोर्ट करते हैं। इसलिए अगर आप परचेज करने जा रहे हैं कोई मेमोरी कार्ड या अपने फ़ोन के लिए या किसी भी लैपटॉप या डिवाइस के लिए, तो उससे पहले उसकी कंपैटिबिलिटी चेक करिए कि वो डिवाइस कौन सी मेमोरी कार्ड सपोर्ट करती है। ऐसा तो नहीं आप जो मेमोरी कार्ड खरीदने जा रहे हैं वो सपोर्ट ही ना करे, आपके खरीदने के बाद आपके पैसे बर्बाद चले जाएँ। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी, वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर हिट कर दीजिए जिससे अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। वीडियो लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।